ये ट्रैक्टर के साथ दुर्घटना हुई कैसे, किधर से आ रहा था ट्रैक्टर? ट्रॉली खड़ी थी यहाँ पे, ट्रैक्टर को खोल के उस साइड खड़ा कर रखा था। अच्छा, ट्रैक्टर खड़ा कर रखा था, ट्रैक्टर के इंडिकेटर जला रखे थे जिससे गाड़ी को आने, उधर से गाड़ियाँ आएगी उन्हें पता चलेगा गाड़ी खड़ी है, ट्रैक्टर खड़ा है। ट्रैक्टर का मरगाड़ के ऊपर दो बंदे बैठे हुए थे और टक्कर मारी, जब बस आई उधर से बस ने टक्कर मारी है। उस साइड से बस आई है, रामपुर की तरफ से आ रही थी बस, कितना ना पता नहीं कौन सी बस थी, बस ने मारी है टक्कर और ट्रैक्टर के ये कंडीशन है ट्रैक्टर की, बंदे यहाँ गिरे हुए थे। हैं, जान माल का नुकसान, चोट वगैरह कितनी आई है? नुकसान तो ये आपके सामने ही है, बाकी है तो वो सीरियस ही है बंदे। हाँ, कहाँ एडमिट है? कहाँ? हॉस्पिटल में। हाँ, यहीं कहीं हॉस्पिटल में। ये ट्राली कहाँ से आई थी, कहाँ जा रही थी? ट्राली तो यहाँ डिबडिबा फार्म से आई थी, भर के यहाँ खड़ी कर रखी थी साइड में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रैक्टर के परखचे उड़ चुके हैं, इतनी भयंकर टक्कर थी। स्टीयरिंग एक तरफ पड़ा है, इसके इंजन का हिस्सा एक तरफ पड़ा है। आप दुर्घटना की भयावहता के अंदाज़ा लगा सकते हैं। दो लोग घायल हैं, हॉस्पिटल में हैं। यह ट्रैक्टर का इंजन है, फ्रंट पार्ट। आप भी यहीं पे थे उस समय क्या? नहीं। आप यहाँ पे नहीं थे। और ये ट्रैक्टर का पीछे का हिस्सा, इससे जी पता चलता है दुर्घटना कितनी भयंकर थी, कितनी जोर से आगे बस इसमें लगी। जबकि इनका कहना भी है, इंडिकेटर जला रखे थे, ट्रैक्टर तो नया ही लग रहा है, तो उम्मीद यही है कि ट्रैक्टर के इंडिकेटर वगैरह ऑन होंगे। इसका गियर बॉक्स पूरा टूट गया यहाँ से, और कहा जा रहा है कि बस रामपुर की तरफ से आ रही थी। आप में से कोई था यहाँ पर? कोई था यहाँ पे आप में से? हुआ है बिल्कुल सुबह सुबह ना। और सुबह 6 बजे इतना अंधेरा नहीं होता, तो ठीक ठाक दिन ही निकल जाता, उजाला हो जाता है। इतना वो भी नहीं, बस के ड्राइवर को नींद आ गई होगी। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता नींद आ गई बस के ड्राइवर को। इतनी तो ठंड भी नहीं हो रही है, कोहरा भी नहीं आ रहा है। भूसे की बड़ी ट्राली थी ये रोड पर बिखरा हुआ तेल है। चप्पल यूं ही पड़ी हुई है, ये शायद उन लोगों की होगी जो ट्रैक्टर पर बैठे हुए थे।